दोस्तों एक एचआर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। दोस्तों बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेनर कह सकते हैं जिन्हें एचआर का मतलब अच्छी तरीके से नहीं मालूम है, या अगर उन्हें मतलब मालूम भी है तो उसके जो वर्क है या उसका जो केआरए है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। दोस्तों एक एंटरप्रेनर अपना बिजनेस बहुत ही शून्य से स्टार्ट करता है और वो धीरे 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 करके उसे एक मकाम पर लेके चला जाता है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उसने बिज़नेस स्टार्ट तो कर लिया बट उस बिज़नेस का एक्सपांसन कैसे करना है, उसे किस तरह से मैनेज करना है, उसे किस तरह से अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे ऑटो पायलट मोड पे डालना है, ये उसे पता नहीं होता है। डियर फ्रेंड, एचआर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे मैं इस छोटे से वीडियो में पूरा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको कुछ एचआर के जो मेन जो की पॉइंट्स है, जो उसके वर्क है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे उनको करना है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि एक एचआर अगर आप अपनी कंपनी में अपॉइंट करते हैं तो उससे आपकी कंपनी और आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, हम थोड़ा उस पर बातचीत करेंगे। एक एचआर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर का सबसे पहला काम होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन पे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको उनके काम के हिसाब से या उनके उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उन्हें एरिया अलॉट करना। जैसे सपोज़ करो एक प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसका इंटरफेयर केवल और केवल प्रोडक्शन पे होना चाहिए। एक अकाउंटेंट है तो एक अकाउंटेंट को सिर्फ अकाउंट के काम पे ही ध्यान लगाना चाहिए। एक प्यून है तो उसे सिर्फ प्यून का ही काम करना चाहिए। एक ड्राइवर है तो उसे सिर्फ ड्राइवर का ही काम करना चाहिए क्योंकि वो उस क्षेत्र में माहिर होता है। तो इस तरह से एक एचआर का जो काम होता है वो सारे एम्प्लॉय का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनका जो पर्सनल और उनका जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसका डाटा कलेक्ट करके उसे मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों का काम करना होता है एक एचआर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव को। एचआर का दूसरा काम होता है कि सैलरी सीट मेंटेन करना। कंपनी के हर एक एम्प्लॉय का एक एचआर को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो बंदा कितना दिन काम कर रहा है, कितने दिन छुट्टी में है, कितना हॉलीडे हुआ है, कितने घंटे उसने काम किया है, उसका पूरा ब्यौरा एचआर के पास होना चाहिए। और वो एचआर वो सारे डाटा को मेंटेन करता है। मेंटेन करने के बाद एट द एंड ऑफ मंथ उनकी सैलरी या ओवर टाइम या एक्स्ट्रा जो भी उनके इंसेंटिव्स हैं वो सारे के सारे उसमें मेंशन करता है। मेंशन करने के बाद वो पूरी सैलरी शीट बना के सारे एम्प्लॉय का फिर वो अकाउंट सेक्शन को ट्रांसफ़र करता है। एचआर का तीसरा काम होता है कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनका प्रमोशन और डिमोशन। अगर सपोज़ करो कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है या उसका उसका जो आउटपुट है बहुत अच्छा आ रहा है कंपनी के लिए, वो अच्छा रिज़ल्ट आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो एक एचआर उसके लिए एक नोटशीट बनाता है कि पर्टिकुलर ये जो एम्प्लॉय है ये इसका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है, वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने काम को सारी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, तो उसका फलाने डेट के बाद उसका प्रमोशन किया जाना चाहिए या उसकी सैलरी पे इंक्रीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो टाइम पे नहीं आ रहा है या उसका परफॉर्मेंस वीक है तो उसका वो डिमोशन करने का भी वो नोटशीट में मेंशन कर सकता है, ये अपने वो अपर डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफ़र करता है नोटशीट। एचआर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर का जो चौथा वर्क होता है वो होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो एचआर उन कंपनियों को रिक्रूट करके देता है। जैसे सपोज़ करो एक मैनेजर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे एक महीने में मुझे 4 सेल्स वाले बंदे चाहिए, 3 मुझे प्रोडक्शन वाले चाहिए, 2 परचेस वाले चाहिए, 1 मुझे ड्राइवर चाहिए,
तो वो एचआर का काम होता है कि उसको जो प्रोफाइल मैनेजर का एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इस प्रोफाइल का बंदा चाहिए मुझे इस पोस्ट के लिए, तो एचआर उन सब चीज़ों को एक डाटा कलेक्ट करता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद वो जो उनके जो रिसोर्सेस होते हैं, एचआर के अपने रिसोर्सेस होते हैं जहाँ से वो बंदे हायर करता है, या उसके पास वो चाहे वो पोर्टल लेता है या वॉट एवर, वो उसका लुकआउट है कि वो कैसे करता है। या तो फिर वो कैंपस लेके जाता है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में, वहाँ से बंदे हायर करके लेके आएगा, वो उसका लुकआउट है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक कंपनी का सबसे बेनिफिट ये होता है कि उसका जो कॉस्ट जो है वो बचता है। वो कैसे, जैसे सपोज़ करो कंपनी को रिक्रूटमेंट करना है, इतने सारे पोस्ट की उसने वैकेंसी निकाली है, तो अब वो क्या करेगा कि वो जितने भी वहाँ पे लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं या लोकल न्यूज़पेपर हैं वहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करता है, जहाँ पे उसको एक महीने में वो जितने भी पोस्टिंग है एडवर्टाइजमेंट के उसको काफ़ी सारे पैसे पे करने होते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, तो उससे उसकी बचत होती है। पाँचवा काम होता है एचआर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव का कि जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको उनके क्षेत्र के बारे में ट्रेनिंग देना, उनको अपग्रेड करना, उनको एजुकेट करना, उनको उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्क्राइब करना, ये सारा का सारा जो काम होता है वो एक एचआर का होता है। एचआर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव का जो छठा वर्क होता है वो है कि जो कंपनी का एटमॉस्फियर है उसको फ्रूटफुल बना के रखना। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनमें आपस में नहीं बनती या उनके बीच आए दिन डिस्प्यूट होते रहता है, तो ये जो छोटे छोटे मामले होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने का काम होता है एचआर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव का। दूसरा, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से अगर नहीं बन पा रहा है तो उन सब मसलों को भी सॉल्यूशन करना एचआर का काम होता है। तीसरा, कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय स्ट्राइक करता है या कंपनी के खिलाफ बात करता है, तो उससे एचआर का जो काम होता है उनसे एक बार आपस में बात करता है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम जा रही, उनकी प्रॉब्लम को सुनता है और उस प्रॉब्लम्स को अपर लेवल पे लेके जाता है कि ये प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय के बीच में चल रहा है तो आप इसे जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करें या इसका सॉल्यूशन निकालें, ताकि भविष्य में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी कंपनी को सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये कुछ मूलभूत कार्य हैं जो एचआर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो आप अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आपने अभी तक एचआर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस पोस्ट के लिए एक बंदा अपॉइंट करें, ताकि जो आपकी कंपनी में जो इस तरह के वर्क हैं उससे वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें और आपकी कंपनी का जो वर्क है वो एक सुचारू रूप से चल सके। तो इससे होगा ये कि डियर फ्रेंड, आपका जो फोकस है वो इन सब चीज़ों से हट के कंपनी के ग्रोथ और बिजनेस के एक्सपांशन पे लग जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करना चाहते हैं किसी कलीग या फ्रेंड को तो शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में राइट भी कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।